ध्यान रखने योग्य बातें एक बार जरूर पढ़ें। नंबर एक, मुंह में पानी भरकर नहाने से कभी जुकाम नहीं होता। नंबर दो, नहाने से पहले नाक, कान, नाभि और अंगूठों के नाखूनों पर सरसों का तेल लगाने से कभी आंखें खराब नहीं होती। नंबर तीन, जब मोबाइल फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो रहा हो तो उस समय फ़ोन ना सुने, क्योंकि उस समय रेडिएशन हजार गुना ज़्यादा होता है, जो आपके दिमाग को बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है। नंबर चार, दांतों का असली रंग हल्का पीला ही होता है, इसलिए वाइट करने की कोशिश में अपने दांतों को खराब ना करें। नंबर पाँच, सेंधा नमक, देसी गाय का घी और सरसों का तेल ही प्रयोग करें, रिफाइंड तेल से जितना हो सके दूर रहे। नंबर छः, दांतों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा चबाए, दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। नंबर सात, अगर आप टॉयलेट जाते समय दांतों को दबाए रखते हैं तो वो मजबूत रहेंगे और आपको कभी भी लकवा नहीं होगा। नंबर आठ, लकवा हो भी जाए तो मरीज के नाक में देसी गाय का घी डालने से लकवा 15 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। नंबर नौ, देसी गाय के शरीर पर हाथ फेरने से 10 दिनों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। नंबर 10, हमारे दांत दो प्रकार के होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। एक बार स्थायी दांत टूट जाने से वापस नहीं आते, बल्कि नकली ही लगवाने पड़ते हैं। अपने दांतों को संभाल कर रखें। नंबर 11, सोयाबीन वड़ी को 2 घंटे भिगोकर मसल कर उसका झाग निकाल कर ही प्रयोग करना चाहिए, ये चीज़ें शरीर के लिए हानिकारक हैं। दूध और कटहल को कभी भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, इससे चर्म रोग होता है। नमक के साथ दूध और सभी प्रकार की खटाइयाँ एक साथ प्रयोग ना करें, दूध अकेले ही पिए। दही गर्म करके नहीं खाना चाहिए, हानि पहुंचाती है, कड़ी बनाकर खा सकते हैं। शहद और घी समान परिणाम में मिलाकर विष के समान है, इनको एक साथ ना खाएं। जौ का आटा कोई अन्य आटा में मिलाए बिना नहीं खाना चाहिए, तेज धूप में चलकर आने के बाद थोड़ा आराम करके ही पानी पीना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को शेयर कीजिए ताकि और सबके भी हेल्प हो जाए। लाइक एंड फॉलो फॉर मोर। बाय।